चलिए तो नमस्कार, ईट छत जड़ी रूप चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेंजी मरगाम। जी हाँ भाई, ये बात बिल्कुल किसी से छुपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कम बारिश के चलते किसानों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और आर्थिक हानि यानी कि नुकसान उठाना पड़ा। फसलों की हम बात करें तो काफ़ी सारी ऐसी फसलें हैं जो पहले से ही शुरुआती दौर पर इनका विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो कि अभी की बारिश में भी कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो पर बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा के रखिए। वीडियो का नीचे जो लाल रंग का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिएगा भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। जी हाँ किसान भाई लोग, आप लोग को बता दें छत्तीसगढ़ में 31 अगस्त तक की स्थिति में 72 तहसीलें ऐसी थी जहां 80% से कम बारिश हुई थी। सूखा प्रबंधन मैनुअल 2016 के मापदंडों के अनुसार इन्हें तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से 72 में से 13 तहसीलों में 80% से अधिक पानी गिर गया है। ऐसे में इन तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने में की दिक्कतें आना शुरू हो गया है। इधर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग कलेक्टरों से मिलने वाली रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें किसान भाई लोग, आ रही खबर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक 31 अगस्त तक की स्थिति में रायपुर जिले के आरंग, तिलदा और अभनपुर तहसीलों में 80% से कम बारिश हुई थी, लेकिन अभनपुर तहसील अब इससे बाहर हो गया है। अभनपुर में 12 सितंबर तक की स्थिति में 85.5% पानी गिरा है। वहीं बताया जा रहा है कि बलौदाबाजार जिले की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, यहां सिमगा और भिलाईगढ़ में 80% से ज़्यादा पानी गिर गया है। वहीं भाटापारा की बात करें तो खबर आ रही है कि भाटापारा तहसील में 79.6% बारिश हुई है। एक दिन पानी गिरने पर यह भी 80% से पार हो जाएगा। आपको बता दें किसान भाई लोग कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जिले हैं जिसकी स्थिति अब भी खराब बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद कुछ जिले ऐसे हैं जहां सिर्फ मामूली प्रभाव पड़ा है, यानी इन जिलों की तहसीलों में 80% बारिश भी नहीं हुई है। तो भाई खबरों के मुताबिक आप लोग को बता दें, इसमें कांकेर जिला की सभी 6 तहसीलें शामिल हैं। यही स्थिति महासमुंद और बीजापुर जिले की भी है। इन जिलों में किसी भी तहसील में अच्छी बारिश नहीं होना बताया जा रहा है। जय किसान भाई लोग, वहीं दूसरी ओर कलेक्टरों की बैठक होगा ऐसी खबर भी सामने आ रहा है। बताया जाता है कि जल्द ही कलेक्टरों की बैठक होगी, इसमें सभी SP भी मौजूद रहेंगे। इसमें सूखे के साथ साथ कानून व्यवस्था, गोधन न्याय योजना सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि इसकी तिथि अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन एजेंडा पर काम शुरू हो गया है। किसान भाई लोग, आप लोगों को बता दें कलेक्टरों की जब भी बैठक होगी इसको लेकर जो भी खबरें और अपडेट सामने आएगी हम ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी आप लोग तक पहुँचा दी जाएगी। हमने पिछले कई दिनों से लगातार हम छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित किसानों को लेकर वीडियोज आप लोग के साथ शेयर कर रही हैं, ताकि इससे जुड़ी जो भी जानकारी है अपडेट है लगातार हमारे किसानों भाइयों तक पहुंचता रहे। देखिए तो भाई, इन तहसीलों में 80% से अधिक बारिश बताया जा रहा है। इसमें आता है मैनपुर, अंबागढ़, चौकी, डोंगरगढ़, डोंडिलोहरा, लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, फरसाबहार व बमनीडीह शामिल है। मीडिया की माने तो, खबरों की माने तो इन तहसीलों में 80% से अधिक बारिश हुआ है। वहीं दूसरी ओर 80% से कम बारिश वाले तहसीलों का नाम भी सामने आया है। इसमें रायपुर जिले के आरंग व तिलदा, साथ ही अभनपुर, कांकेर जिले में दुर्गकुंदल, कांकेर, भानुप्रतापुर, चारामा, अंतागढ़, नहरपुर व पंखाजूर, बस्तर जिले के जगदलपुर व बकावंड, वहीं दंतेवाड़ा जिले में कुआकोंडा व गिदम, धमतरी जिले में नगरी, कुकरेल, वहीं धमतरी व कुरूद, साथ ही बीजापुर जिले में भोपालपट्टनम, उसूर, भैरमगढ़ व बीजापुर, बालोद जिले में बालोद, गुंडरदी, डोंडी, गुरूर व अर्जुंदा, वहीं बलरामपुर जिले में राजपुर व बलरामपुर, बलौदाबाजार जिले में भाटापारा और कबीरधाम जिले में रेंगा खारकला, वहीं कोंडागांव जिले में माकड़ी, केसकाल व कोंडागांव, वहीं कोरिया जिले में किल्हारी व मनिंद्रगढ़। महासमुंद जिले की बात करें तो महासमुंद जिले में पिथौरा, सरायपाली, बसना व महासमुंद, वहीं बिलासपुर जिले में मस्तूरी, रायगढ़ जिले में रायगढ़, पुसौर, खरसिया, तमनार व धर्मजयगढ़, राजनांदगांव जिले में छुरिया और राजनांदगांव व मोहल्ला, वहीं सरगुजा जिले में उदयपुर, दरिमा, लुंड्रा व सीतापुर। सुकमा जिले की बात करें तो किसान भाई लोग, सुकमा जिले में गादीरास व सुकमा, सूरजपुर जिले में प्रतापपुर,
वहीं जांजगीर चांपा जिले से सारागांव व बामडीडी, वहीं जशपुर जिले में पत्थलगांव, वहीं गरियाबंद जिले में छुरा और नारायणपुर जिले की नारायणपुर तहसील शामिल हैं। खबर आ रही है किसान भाई लोगों की इन तहसीलों में 80% से कम बारिश हुआ है। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात किसान भाई लोग कि अभी बीते कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर बारिश हो रही है। अब ऐसी स्थिति में सूखा प्रभावित घोषणा करना मुश्किल लगता है। और ये जो आंकड़े हैं किसान भाई लोग, 31 अगस्त आसपास के आंकड़े थे। अब पुनः वापस से सर्वे होगा, आंकड़े तैयार किए जाएंगे, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकता है। अब देखने वाली यह बात है किसान भाई लोगों की, आगामी कलेक्टरों की बैठक में क्या निर्णय होगा, क्या फैसला होगा। अभी कुछ भी बोल नहीं सकते कि सूखा प्रभावित कब घोषित होगा। मैंने पिछली वीडियो पर आप लोगों को बताया भी था कि सितंबर तक तो गणना चलेगा, अक्टूबर का फसल प्रयोग होगा, उसके बाद नवंबर तक जो भी घोषणा आ सकता है सामने भाई, ठीक है। तो जो भी खबर रहेगा, अपडेट रहेगा छत्तीसगढ़ किसानों को लेकर, सूखा प्रभावित को लेकर और भी तरह तरह के जो भी अपडेट है, हम लगातार इस चैनल के माध्यम से वीडियो के जरिए लगातार हम आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट जो है चैनल के साथ बना के रखिए। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है भाई, उस पर क्लिक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबर अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।